We all really enjoyed Bobby Deol's performance as Gajodhar Singh in Yamla Pagla Diwana. लेकिन अभी बॉबी हम सबको हंसाने के बाद थ्रिल करने के लिए आ रहे हैं as Ronnie in Players. Welcome to Zoom, Bobby. Thank you. बिल्कुल बताइए कि Players को लेकर आप कितने excited हैं? लंबे समय बाद हम आपको देखने वाले हैं. हाँ, मेरी दो फिल्में लगी थी इस साल, तो इतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन अगले साल की शुरुआत में लग रही है, तो हम excited. हर फिल्म के लिए excitement होती है, so I'm really excited. थ्रिलर्स से आपका क्या ज़्यादा कनेक्शन है? हम देखते हैं कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर करियर थ्रिलर्स आपने बहुत ज़्यादा. एक्चुअली मेरा कनेक्शन है अब्बास भाई मुस्तन भाई के साथ. उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की हैं और उन्होंने हमेशा थ्रिलर्स बनाई हैं, तो इट्स बीन ग्रेट फन वर्किंग विद देम. और इस बार भी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने को मिल रहा है. और थ्रिलर एक जॉनर है जो सोल्जर के बाद में एक किस्म से मेरे साथ जुड़ गया है, तो आई लव थ्रिलर्स, आई लव डूइंग देम. इट्स एक्साइटिंग एंड स्पेशली वर्किंग विद अब्बास मुस्तन. What do you enjoy about thrillers? वो जो फास्ट कार्स होते हैं, जिस्मोज होते हैं. It's more about अब्बास भाई मुस्तन भाई. उनके ऐसे थ्रिलर्स को बना ही नहीं सकता, और उनकी जो स्टाइलिंग है और जिस तरह से वो लैविशली फिल्म को बनाते हैं, उसका सेटअप इतना बड़ा होता है. फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं हम लोग. सोल्जर के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे, इस फिल्म के लिए हम रशिया गए हैं. तो और जो सेटअप था रशिया में, ट्रेन सीक्वेंस था एक, बहुत ठंड में हम मर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ काम करके. खैर, अभी हम अब्बास मस्तान की आप बात कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने स्टंट करवाए हैं रशिया की ठंड में भी, किस तरह के स्टंट्स आपने इस फिल्म में? ठंड में खड़ा होना एक स्टंट है, उससे बड़ा कोई स्टंट नहीं किया मैंने. इतनी ठंड थी वहाँ पर, अप्रैल मई का के वक्त गए थे हम लोग, और जो जगह है मुरमंस्क एक आर्टिक सर्कल में पड़ती है, तो वहाँ हमेशा माइनस डिग्री रहता है, माइनस टेम्परेचर. और जिस तरह हम ट्रेन पर थे तो हवा के साथ चिल फैक्टर बढ़ जाता है, तो स्टंट से ज़्यादा हमको ठंड में तकलीफ हो रही थी. बॉबी, इनफैक्ट जब हम इस फिल्म की स्टारकास्ट देखते हैं, दिस यू, दिस अभिषेक, दिस सोनम, दिस सिकंदर, देखकर लगता है कि पूरी जो आप सभी फिल्मी फैमिली, पूरी फिल्मी फैमिली के बच्चे सारे हैं, तो बचपन की यादें भी आप सभी ने शेयर की होगी. डेफिनेटली, आई मीन क्या होता है कि हम सब साथ में एक किस्म से बड़े हुए हैं, लेकिन अभिषेक मुझसे छोटा है, सिकंदर मुझसे छोटा है, तो मैंने I know them from before, and it makes it more easy when you're working, because all you when you connection jo pehle se hota hai, so it was great fun, you know, talking about old times and then talking about the times we've already shared now and come back. But the itna maza aaya tha outdoor par ki jaise khatam hua to ek kisam se ek udaasi chha jati hai, kyunki itna maza aa raha tha humko ek saath. Abhishek ke saath shayad aapki teesri film hai Jhoom Barabar Jhoom Dostana, and now हाउ इज इट वर्किंग विद अभिषेक? बिकॉज इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, बिकॉज झूम बराबर झूम में आपने ऑलमोस्ट सभी ने कहा था कि बॉबी स्टोल द थंडर फ्रॉम. आई डिडंट स्टील द थंडर फ्रॉम एनीबॉडी, इट वाज जस्ट द कैरेक्टर्स जिस तरह से लिखे जाते हैं और उस हिसाब से आपको करने को मिलते हैं. तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि हर एक्टर के लिए एक इतना ग्राफ होता है जहाँ पर वो कर सकता है. मुझे रोल अच्छा ज़्यादा मिला था शायद, तो लोगों को इस वजह से वो उन्होंने सब कहा, लेकिन अभिषेक इज एन अमेजिंग एक्टर एंड इट्स ग्रेट फन वर्किंग विद हिम. और आप बताना चाहेंगे यमला पगला दीवाना का भी सीक्वल लिखा जा रहा है अपेरेंटली, सीक्वल ट्रीक्वल, हम क्या कहें? सीक्वल तो नहीं, अभी क्या होता है कि आजकल ज़माना बदल गया, अभी फ्रेंचाइज हो जाता है सब. सीक्वल तो नहीं बन सकता, लेकिन फ्रेंचाइज इतना नाम बढ़ गया है, बड़ा हो गया है यमला पगला दीवाना का, कि हम एक और फिल्म बना रहे हैं जिसका जो कैरेक्टर्स मोस्टली सिमिलर रहेंगे लेकिन कहानी अलग होगी. अब उन्होंने क्या, धर्म जी ने प्लेयर्स के ट्रेलर देखे हैं, व्हाट डज ही हैव टू से अबाउट? आई डोंट नो इफ ही हैज सीन द ट्रेलर्स, but I'm sure he's always confident when I'm working with Abbas bhai Mustan bhai. Unko meri jitni bhi film maine Abbas bhai Mustan bhai ke sath ki hain, unko hamesha achhi lagi hain, aur I'm sure he loved the promos of this film also and the movie. Abhishek bol rahe the ki jab hi is film ki title track shoot ho rahi thi, jab sabhi ko dance karna tha, he's like ek ek artist sabhi alag alag steps kar rahe hain, and choreographer jo the wo ekdam pareshan ho gaye ki guys come on sync up. So aap kuch batana chahenge title track ke? मैं यही कह सकता हूँ कि जब हम लोग सब बातें करते हैं रिहर्सल करेंगे, लेकिन अगर हम सबको रिहर्सल के लिए टाइम सही टाइम से अलॉट किया जाता और एक साथ करते एक हफ्ते में, तो हम सब की सिंक्रोनाइजेशन ठीक रहती, लेकिन सबका अलग अलग टाइम था और तो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा था, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल था और फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन एंड ऑफ द डे इट वॉज़ फन बिकॉज सब ने अभी गाना देख लिया, इट्स कमिंग ऑन टेलीविजन, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट, सो हार्ड वर्क गोज एंड इट पेज फॉर एवरीथिंग.
बॉबी, नोइंग यू, हम जानते हैं कि आप ज़्यादा अब काम करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, यू डोंट अब प्रमोशन और ये सबसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. आजकल का जो ज़माना है, प्रमोशन हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. थोड़े आप परेशान हो जाते हैं? आई गेस सो. मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ प्रमोशन के हिसाब से, और मुझे इतना शौक नहीं है कि बैठ के इंटरव्यूज दूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आदत डालने की. Thank you so much for talking to us, and we really hope that Players does very well. And Yamla Pagla 2 ka hame behad intezar hai to see all of you coming together on screen. Thank you for talking. Thanks.